Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. In the workshop today, I'm going to answer a question asked by most of the viewers. Why my adenium is getting soggy? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने वाले हैं जिसका जवाब हर एडेनियम लवर जानना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि उनका एडेनियम का जो कोडेक्स है वो सोगी हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आपके एडेनियम का कोडेक्स सोगी हो रहा है और पल्पी हो रहा है बिल्कुल, तो उसका सीधा सीधा सा कारण है कि आपके एडेनियम के अंदर रोग लग गया है और ये रूट रॉट हो रहा है। रूट रॉट एडेनियम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके अंदर फंगस के कारण एडेनियम का जो कोडेक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है। एडेनियम को कम वॉटरिंग करने से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पल्पी हो रहा है तो आपको उसे काट के चेक करना होगा। हमारे पास में दो एडेनियम्स हैं, एक पल्पी एडेनियम है जिसमें रूट रॉट हुआ है और एक फ्रेश एडेनियम है, बिल्कुल हेल्दी एडेनियम है। तो हम आपको दोनों को काट के बताएंगे कि रोग किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जब भी आपके मन में आए कि आपके एडेनियम के अंदर सोगीनेस आ रही है, तो आप थोड़ा सा उसका छिलका हटाकर चेक कर लें। इस तरीके से अगर वाइटनेस है तो आपका एडेनियम हेल्दी है, और अगर इस तरीके से उसके अंदर येलोइश या ब्लैक कलर है तो इसका मतलब आपके एडेनियम के अंदर रूट रॉट हुआ है। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि रूट रॉट होता क्या है और इसके कारण क्या है। रूट रॉट के अंदर जो रूट होती है, एडेनियम का जो कॉडेक्स होता है, वह सड़ जाता है, और इसका मेन कारण है फंगस। आप ओवर वाटरिंग करते हैं, आपकी सॉइल टाइप सही नहीं है, तो आपको रूट रॉट हो सकता है। तो इसका बचाव ये है कि आप अपने एडेनियम को सनी लोकेशन में रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। वाटरिंग तभी करें जब प्लांट की जो मिट्टी है वो सूख गई हो, और समय समय पे आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। लगभग 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स में आप फंगीसाइड का घोल जरूर पिलाएं। आप इसे पानी में मिला के स्प्रे भी करें अपने प्लांट के ऊपर। दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपके एडेनियम सोगी हो रहा है और आपको लगता है कि 100% इसके अंदर रूट रोट हुआ है, तो आप अपने एडेनियम को बेयर रूट कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो एडेनियम है ये बिल्कुल हेल्दी है और इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है। इसका कारण है, इसके अंदर हमने सैंड वर्मी कंपोस्ट और ग्रिट का इस्तेमाल किया है। जब हम सैंड वर्मी कंपोस्ट और ग्रिट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनती है, और ये बेस्ट सॉइल है एडेनियम्स के लिए, किसी भी सकलेंट के लिए। दोस्तों, ये जो एडेनियम है इसे मैं काट के बताऊँगा कि आपको कैसे आपके रोटन पार्ट को रिमूव करना है। ये एडेनियम लगभग पूरी तरीके से रॉट हो चुका है। कहाँ तक रॉट हुआ है और कहाँ फ्रेश है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये बिल्कुल रॉटन है, और यहाँ पे ये जो एडेनियम है ये हेल्दी है, और ये जो पार्ट था इसका ऊपर का पार्ट ये हार्ड है, इसके अंदर सोगीनेस नहीं है, यहाँ पे रूट रोट नहीं हुआ है। अब हमें इसे कैसे बचाना है, इसके लिए आपको इसे फंगीसाइड के अंदर इस तरीके से डिप करना होगा, और इसे आप लगभग 7 दिन तक इसे सूखने दें, और फिर वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर आप इसे वापस से रिपोर्ट कर दें। दोस्तों, एडेनियम की वैल्यू और खूबसूरती उसके बड़े कोडेक्स से होती है। अगर आप भी अपने एडेनियम का कोडेक्स बड़ा करना चाहते हैं तो हमारा पॉपुलर वीडियो हाउ टू ग्रो बिग कोडेक्स ऑन एडेनियम जरूर देखिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन बॉन्साई एंड गार्डनिंग। टिल देन, गुड बाय।